Hello student, hope you all are fine at home and keeping your health good. Today we will start our new chapter, chapter number 10, which is measurement. Yeah, measurement is an important topic of our routine life, daily life. If we are going to Rajkot from Jamnagar, that distance that measures in kilometer. Kilometer mein hum wo distance jo hai measure karte hain. फॉर सपोज आपको घर से स्कूल जाना है तो स्कूल और घर के बीच का जो डिस्टेंस है वो किस में मेज़र होगा, दैट विल बी मेजर इन मीटर्स. फॉर सपोज आपको लाइन ड्रॉ करनी है अपनी बुक में तो दैट डिस्टेंस विल बी मेजर इन सेंटीमीटर. आपके पास रूलर है अपनी, वी कैन सी रूलर में हमारे पास 15 पॉइंट्स होते हैं. ज़ीरो से स्टार्ट होता है, फिर 1, 2 एंड अप टू 15 पॉइंट्स, ज़ीरो से लेके 15 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है. तो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, जीरो एंड वन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट मेजर इन सेंटीमीटर. ये किस में मेजर होगा, दैट विल बी मेजर इन सेंटीमीटर. सेम इज वन एंड टू का डिस्टेंस है वो भी सेंटीमीटर में. हमारी रूलर में 0 to 15 के काउंट दिए हैं तो 0 and 1 का जो डिस्टेंस है दैट इज 1 centimeter. सेम इज 1 and 2 का डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो 1 centimeter. ओके, नाउ इफ वी आर गोइंग टू मार्केट, मार्केट जा रहे हैं हम, कोई भी चीज़ लेने जा रहे हैं तो हम ऐसे ही नहीं उठा के ले आते वो, तो क्या बोलते हैं हम दैट कि कोई चीज़ चाहिए. फॉर सपोज हमें गेहूँ चाहिए, वीट चाहिए, ठीक है. तो वी विल क्या करेंगे हम, दैट मेजर इन किलोग्राम्स. किलोग्राम्स में हम मेजर करते हैं उससे. फॉर सपोज हमें लिक्विड चीज़ चाहिए कोई, जैसे कि हमारे पास है पेट्रोल. जब हम पेट्रोल लेने जाते हैं, पेट्रोल है या डीजल, डीजल जब हम बाय करते हैं तो वो किस में मेज़र होगा, दैट उसका प्राइस जो है वो पर लीटर होगा, पर लीटर प्राइस होगा उसका. मतलब कि 1 liter का प्राइस है अबाउट 70 rupees, 72 rupees. देन अब अगर हमारे पास कोई लिक्विड चीज़ है तो वो किस में मेजर होगी, दैट विल बी मेजर इन लीटर एंड मिलीलीटर्स. ओके, सो जब हमारे पास कोई सॉलिड चीज़ होगी, जैसे कि कोई खाने की चीज़ है, फॉर सपोज हम केक लेने गए तो हमारे केक शॉप में 1/2 kilo की केक अवेलेबल होगी, 1 kilo की केक अवेलेबल होगी एंड 2 kilos की भी, 2 kilograms की भी केक अवेलेबल होगी. तो दैट इज़ मेजर इन किलोग्राम एंड ग्राम्स. अगर हमारे पास कोई सॉलिड चीज़ है, खाने की चीज़ है या फिर और कुछ है, दैट मेजर इन सॉलिड चीज़ है अगर कोई, तो वो मेजर होगी ग्राम्स एंड किलोग्राम्स में. और भी कई सारे मेजरमेंट के टर्म्स है लेकिन दैट वी विल लर्न लेटर. अभी के लिए आपको याद रखना है ग्राम्स एंड किलोग्राम्स. अगर हमारे पास कोई लिक्विड चीज़ है तो वो मेजर होगी लीटर्स एंड मिलीलीटर्स में. एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिस्टेंस. डिस्टेंस किस में मेजर होगा, दैट इज़ सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर. नाउ टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट कन्वर्जन ऑफ अवर मेजरमेंट्स. अगर हमें कोई चीज़ सेंटीमीटर में गिवन है और उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है या फिर कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो कैसे कर सकते हैं. वी हैव लर्न डेसिमल्स ऑलरेडी, डेसिमल्स हमने लर्न कर लिया है. उसके बेस पर आज हम कन्वर्जन देखेंगे हमारी चीज़ों का. जैसे कि फॉर सपोज हमें 1 meter दिया है तो क्या होगा, दैट विल बी 100 centimeters, 100 centimeters होगा, ठीक है. 1 kilometer दिया है तो दैट विल बी 1000 meter. ओके, 1000 meter होगा. फॉर सपोज 1 kilogram दिया है तो होगा 1000 grams. 1 kilogram इज इक्वल टू 1000 grams. एंड लास्ट वन इज 1 liter इज इक्वल टू 1000 milliliters. We having question of conversion. For suppose आपको दिया है 13 meters and we have to convert it into centimeter. 13 meter given है आपको question में और हमें बताया गया है कि इसको हमें convert करना है centimeters में, तो क्या करेंगे, that is so simple. यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 100, तो हमें 13 meter को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई 13 into 100, दैट विल बी कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर. 13 को 100 से मल्टीप्लाई करो एंड दैट विल बी कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर. क्या होगा ये, 1300 centimeters. क्या मिलेगा आंसर, 1300 centimeters. यह वी हैविंग मीटर जो है उसका सिंबल है, मीटर को हम एम भी लिख सकते हैं. अगर सेंटीमीटर गिवन है तो उसे लिख सकते हैं हम cm, और हमें गिवन है अगर किलोमीटर्स गिवन है तो उसे हम लिख सकते हैं km. ओके, किलोमीटर्स को लिख सकते हैं km.
Km. Same as अगर liters दिया है तो we can write L. Liter का symbol है L and milliliter का symbol है ml. Same as अगर kilograms दिया है तो we can write kg. किलोग्राम दिया है तो वी कैन राइट के जी एंड ग्राम्स दिया है तो वी कैन राइट जी. ओके दैट आर शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ अवर टर्म्स किलोग्राम्स ग्राम्स मीटर्स किलोमीटर सेंटीमीटर एंड ऑल्सो लीटर एंड मिलीलीटर. ओके वी हैव डिस्कस्ड अगर हमें 30 मीटर दिया है और उसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो वी कैन ईजिली कन्वर्ट 100 मल्टीप्लाई करना है और उसको हम ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर में. ओके लेकिन अगर क्वेश्चन उल्टा दिया है तो क्या करेंगे हम. फॉर सपोज हमें दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है और उसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर में. 13 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे. फॉर दैट वी विल यूज़ अवर कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल्स. डेसिमल का कॉन्सेप्ट जो है वो हम यूज़ करेंगे. यहाँ पे हमें 13 सेंटीमीटर गिवन है. वी विल डिवाइड अवर टर्म बाय 100 टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर. मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 13 को 100 से डिवाइड करना है. ओके 13 डिवाइड बाय 100. नाउ यू नो हाउ टू पुट पॉइंट. यहाँ पे नीचे टू जीरोज है तो क्या करेंगे हम ऊपर. वी विल पुट 0.13 मीटर्स. क्या होगा इसका 0.13 मीटर्स. 100 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा टर्म जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली मीटर में. पहले हमारे पास सेंटीमीटर में था हमने 100 से डिवाइड किया दैट विल बी चेंज इनटू मीटर. ओके या वी हैव 0.13 मीटर्स. सेम एज अगर आपको गिवन है 14 मीटर्स और हमको गिवन है कि इसको हमें किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है. ओके किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम. या वी हैविंग 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ओके तो अगर हमें 1 मीटर चाहिए तो क्या करेंगे हम. किलोमीटर में चेंज करना है हमारे टर्म को तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे. यहाँ पे हमारे पास 14 मीटर है वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर सो वी विल डिवाइड इट बाय 1000 से डिवाइड करेंगे. विल यूज़ कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल्स दैट इज यहाँ पे नीचे 3 जीरोज गिवन है सो वी विल पुट अ पॉइंट बाय 3 नंबर्स. 3 नंबर्स के बाद हम पॉइंट पुट करेंगे दैट विल बी यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर. यहाँ पे कुछ नहीं है सो वी विल पुट अ 0 दैट विल बी 0.014 किलोमीटर्स. क्या होगा आंसर दैट विल बी 0.014 किलोमीटर्स. सेम इज फॉर सपोज आपको दिया है 98 liters. 98 liters दिया है और हमें बोला गया है कि इसको हमें कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में. जब हमें बड़े से छोटे टर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे. एंड जब हमें हमारा कोई छोटा टर्म है उसमें से हमें बड़े टर्म में कन्वर्ट करना है. फॉर सपोज हमें मिलीलीटर में से लीटर में कन्वर्ट करना है सो वी विल डिवाइड. तब हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे. अगर हमें बड़े नंबर में से छोटे नंबर में कन्वर्ट करना है फॉर सपोज लीटर गिवन है और हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे. तब वी विल मल्टीप्लाई. यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लीकेशन होगा. वी कैन सी 1 किलोग्राम हियर वी हैव 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स. सो हियर वी हैव 98 लीटर्स सो वी विल मल्टीप्लाई 98 into 1000. That will be 98,000 milliliters. We have discussed milliliter का symbol है ml. We can write ml. पूरा long form लिखने की ज़रूरत नहीं है. We can use ml. Okay? So हमारी liquid चीज़ें जो है जैसे कि milk है petrol है diesel है उसके conversion के लिए हम liter and milliliter use करेंगे. जब हमारे पास कोई solid चीज़ होगी तो उसे हम measure करने के लिए ग्राम्स एंड किलोग्राम्स का यूज़ करेंगे. और डिस्टेंस मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे सेंटीमीटर किलोमीटर एंड मीटर का यूज़ करेंगे.